सब्सक्राइब करिए एसआर मोटोवर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएं। टीवीएस जुपिटर 2013 में आई थी और जब से लेके अभी तक टीवीएस ने इस सेकंड बेस्ट सेलिंग स्कूटर में कुछ मेजर अपडेट नहीं करा था, लेकिन एक्टिवा 5G के आने के बाद टीवीएस को अपनी जुपिटर में कमियां महसूस होने लगी और इन्होंने लॉन्च कर दी है टीवीएस जुपिटर ग्रैंडे एडिशन। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं सामोटो वर्ल्ड और फिर मैं आया हूँ एक नई वीडियो के साथ और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो आज की इस वीडियो में टीवीएस जुपिटर ग्रैंडे का कंप्लीट रिव्यू करूंगा और देखिए, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि मेरे पास भी एक टीवीएस जुपिटर है, तो जुपिटर के बारे में सभी इन्फो इस वीडियो में आपको ईजिली मिल पाएगी। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं, क्योंकि टोटल चैनल व्यूज 5 मिलियन है लेकिन सब्सक्राइबर्स इतने कम। इसमें लुक्स में तो टीवीएस ने रीडिजाइनिंग नहीं करी है, ये पूरे लुक्स आउटगोइंग मॉडल से सिमिलर हैं, पर इसमें कुछ माइनर डिजाइन ट्वीक्स कंपनी ने करे हैं, जैसे क्रोम डिटेलिंग मिलती है, बेज पैनल्स मिलते हैं, बॉडी कलर्ड ग्रैब रेल्स मिलती हैं और सबसे मेजर चेंज जो है वो है फ्रंट LED हेडलैम्प कर दिया है इसमें। और सीट पर भी ध्यान देंगे तो क्रॉस स्टिच मरून कलर सीट मिलती है, जिससे ओवरऑल लुक्स इस गाड़ी के इम्प्रूव हो गए हैं, लेकिन रीडिजाइंड आप इसको नहीं कह सकते। अलॉय व्हील्स को भी टीवीएस डायमंड कट बोलता है, जो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश हैं। और टीवीएस में मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि इन्होंने अलॉय व्हील्स एज अ स्टैंडर्ड प्रोवाइड करके रखे हैं, जिससे ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी गाड़ी की इम्प्रूव होगी। आपके कुछ भी क्वेश्चंस हों या आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम ID का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उधर तो आपको डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मिल जाएगा। मैकेनिकली देखते हैं तो टीवीएस जुपिटर ग्रैंडे में मैकेनिकल चेंजेस टीवीएस ने कुछ भी नहीं करे हैं। इसमें वही 109.7 cc का एयर कूल्ड BS4 टू वॉल्व इंजन मिलता है, जो मैक्स पावर 8 PS की प्रोड्यूस करता है और मैक्स टॉर्क 8 न्यूटन मीटर्स का। एक्टिवा के कंपैरिजन में जुपिटर के पावर फिगर्स कम तो हैं, इनिशियल पिकअप भी इसका थोड़ा सा कम है एक्टिवा के कंपैरिजन में, इंजन जुपिटर का बहुत स्मूथ है। मेरी टीवीएस जुपिटर चल चुकी है 30,000 किलोमीटर्स, लेकिन आज भी इंजन का साउंड काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और कोई मेजर प्रॉब्लम फेस मैंने नहीं करी इंजन के थ्रू, लेकिन वो राइडर पर भी डिपेंड करता है कि रेगुलर मेंटेनेंस हो रहा है व्हीकल में या नहीं। इंजन स्मूथनेस भी अच्छी है और वाइब्रेशंस भी कंट्रोल्ड हैं। एक और मेजर चेंज हुआ है जुपिटर में, वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यानी कि मीटर, जो पहले एनालॉग आता था लेकिन अब पार्ट डिजिटल मिलता है, जिसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स मिलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसमें इको और पावर की लाइट तो मिलती है जो पहले मिलती थी। इको लाइट पर राइड करने से माइलेज अच्छा मिलता है और पावर लाइट इंडिकेट करती है कि आप मैक्सिमम पावर आउटपुट ले रहे हैं स्कूटर से, तो माइलेज आपको कम मिलेगा। स्पीडोमीटर, डिजिटल ऑडोमीटर, ट्विन ट्रिप मीटर्स, डिजिटल फ्यूल गेज और लो फ्यूल इंडिकेटर भी इसमें मिलता है रियल टाइम क्लॉक के साथ। लो बैटरी इंडिकेटर, साइड स्टैंड इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर, हेलमेट रिमाइंडर और रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर जैसे फीचर्स भी आपको इसमें मिल जाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव फीचर्स कंपनी ने एक स्कूटर के हिसाब से दे दिया है। टीवीएस की खासियत ही यह है कि ये क्या करता है अपनी गाड़ियों में, टीवीएस फर्स्ट इन द सेगमेंट फीचर्स दे देता है। जैसे आप देखेंगे पास लाइट स्विच भी इन्होंने फर्स्ट इन द सेगमेंट दिया, तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें कंपनी ने प्रोवाइड करी हैं। कंफर्ट की बात करें तो जुपिटर में कंफर्ट मुझे अच्छा लगा, सीट ना ही ज़्यादा हार्ड है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको लॉन्ग राइड्स भी करना हो तो अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। राइडिंग ट्रायंगल अपराइट है और इनफ लेग स्पेस आपको मिलती है फुटबोर्ड पर, जिससे टॉल राइडर्स का ये बेनिफिट है। सस्पेंशंस देखते हैं तो इसमें फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस हैं, जो बहुत अच्छे से बम्स और पॉट होल्स को इजीली एब्जॉर्ब करते हैं। और रियर सस्पेंशंस में अब टीवीएस ने चेंज करा है, पहले इसका सस्पेंशन एडजस्टेबल नहीं था, लेकिन अब रियर सस्पेंशंस को आप एडजस्ट कर सकते हैं डिजायर्ड कंफर्ट के लिए। रियर सस्पेंशन 3-स्टेप एडजस्टेबल मिलता है गैस चार्ज्ड मोनोशॉक। ग्राउंड क्लियरेंस इसका 150 mm का है, जो मुझे कम लगता है स्कूटर्स के, अगर इसके कंपटीशन में देखते हैं तो ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा कम है, लेकिन इंडियन स्पीड ब्रेकर्स क्लियर करने के लिए सफिशिएंट है। कन्वीनियंस देखते हैं तो स्कूटर्स तो लोग खरीदते ही कन्वीनियंस के लिए हैं। सबसे अच्छा कन्वीनियंस आपको जो इसमें मिलता है जुपिटर में, वो ये है कि आपको इसमें एक्सटर्नल फ्यूल टैंक मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको पेट्रोल पंप्स पर सीट से नहीं उतरना पड़ेगा, जो एक टाइम सेविंग फीचर है। अंडर सीट स्टोरेज देखते हैं तो सफिशेंट स्पेस आपको मिलती है एक मीडियम साइज फुल फेस हेलमेट रखने के लिए, और साथ ही साथ मोबाइल चार्जिंग सॉकेट भी आपको एज एन ऑप्शनल इसमें मिल जाता है।
बिल्ड क्वालिटी और फिट एंड फिनिश देखते हैं तो बिल्ड क्वालिटी तो ड्यूरेबल लगी मुझे। रेयर साइड पैनल्स यानी कि जो सीट के नीचे जो पैनल्स रहते हैं वो मेटल के मिलते हैं। फ्रंट साइड गाड़ी का पूरा फाइबर का है। जो फ्रंट मडगार्ड है वो इसमें काफ़ी अच्छे क्वालिटी के मेटल का मिलता है। फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छा था गाड़ी में और रफ एजेस भी देखने को नहीं मिली। और इस स्कूटर में आपको पास लाइट स्विच भी मिल जाता है जो फर्स्ट इन द सेगमेंट है और हाईवेज पर यूजफुल रहता है। ब्रेकिंग देखते हैं तो फ्रंट डिस्क का ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है। रियर तो ड्रम ब्रेक ही मिलता है। फ्रंट ब्रेक इसमें सिंक ब्रेकिंग सिस्टम है जो होंडा के कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम से कहीं कहीं रिजेंबल करता है और सिमिलर है, जिससे होता यह है कि अगर आप रियर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ रेशो में फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई होगा। इससे होता यह है कि ब्रेकिंग पावर दोनों व्हील्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और पैनिक ब्रेकिंग के टाइम स्किडिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। टीवीएस जुपिटर में अभी करंटली 5 वेरियंट्स अवेलेबल हैं। एक बेस वेरिएंट है अलॉय और ड्रम ब्रेक्स के साथ, पुराना वाला जो स्टैंडर्ड आता था। फिर एक ZX वेरिएंट है विदाउट डिस्क वाला। उसके बाद एक और ZX वेरिएंट है विथ डिस्क और सिंक ब्रेकिंग के साथ। फिर क्लासिक एडिशन आपको मिल जाता है डिस्क के साथ। और टॉप एंड वेरिएंट जुपिटर ग्रैंड का मिलता है आपको, जिसमें दो वेरिएंट आएंगे। जुपिटर ग्रैंड में एक आपको अलॉय विदाउट डिस्क वाला आएगा और एक विथ डिस्क आएगा, जिसका मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ। बेसिक वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस 51,000 है। जो सबसे नीचे वाला वेरिएंट है नॉर्मल, जिसमें अलॉय व्हील मिलते हैं आपको विदाउट डिस्क वाला, उसकी 51,000 है। ZX की प्राइस 54,000 है। ZX डिस्क की प्राइस 56,000 है। और ग्रैंडे एडिशन विदाउट डिस्क की प्राइस 55,000 है। और जुपिटर ग्रैंडे विथ डिस्क की प्राइस 59,000 है। यानी कि 51,000 इसकी स्टार्टिंग प्राइस है और 59,000 इसकी एंडिंग प्राइस है। ये मैं आपसे एक शोरूम प्राइस डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपको ऑन रोड प्राइस जाननी हो अपनी सिटी में तो आप अपने नियरेस्ट डीलर को जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। इंस्टाग्राम आईडी पर भी आप मुझे फॉलो करके वहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज़।